सभी को प्रणाम दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट मैटर पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये जो पीएनबी मेट लाइफ है, इनके द्वारा जो फ्रॉड किए जा रहे हैं उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेरी मदर ने एक पॉलिसी कराई थी। एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको इनकी सिक्वेंस बताता हूँ। ये लोग कैसे करके एक सीनियर सिटीजन को अपने बातों में फंसाते हैं। देखिए, एक बहुत ही इमोशनल लाइन, जब ये बैंक में जाते हैं, अधिकतर लोग एफडी कराने जाते हैं, तो वहीं पर इनके एजेंट बैठे रहते हैं, जो कि एजेंट जैसे ही आपके कोई पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स वहाँ पे गए एफडी को रिन्यू कराने, तो ये उनको बोलेंगे कि आप एफडी को रिन्यू मत कराइए, बल्कि जो उसका इंटरेस्ट आता है उस पर आप ये एफडी ले लीजिए, उस पर आप ये पॉलिसी ले लीजिए। तो देखिए, अब हमारे पेरेंट्स क्या होता है और जो सीनियर सिटीजन्स क्या होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का और अच्छा कर दें। तो ये लोग ना एक लाइन यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही इमोशनल लाइन होती है, और उससे सुन के जो है आदमी जो है इवेल्युएट करना छोड़ देता है, और वो सोचता है कि यार ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है। ये लोग क्या बोलते हैं जो बैंक में एजेंट बने होते हैं, कि आपके बच्चों के बहुत काम आएगी आने वाले टाइम में, उनके लिए बहुत अच्छी इसमें पॉलिसी है और उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो बस पेरेंट्स सोचते हैं कि यार हम अपने बच्चों का और अच्छा कर दें, जबकि ये पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपको झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। लकीली मैंने क्या करा, मैंने इन लोगों की कॉल रिकॉर्ड कर ली जो ये गलत बातें बोल झूठ बोल रहे थे कि ये 3 साल में आपका पूरा पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये एजेंट होते हैं। उसके बाद इनका जो मैनेजर है, मैंने उनसे भी बात करी, तो वो भी बंदा जो है पहले तो अपनी बातों से हटने लगा कि ये सब पेमेंट तब हो गई थी, पहले हो गई थी, मैं बाद में आया। फिर मैंने उसे करेक्ट करा, मैंने कहा नहीं, तुम वहीं थे, तुमने ही पेमेंट कराई थी और तुमने ये बोला था। तो समझने लग गया कि मैं फंस रहा हूँ। तो तब उसने बोल दिया कि मैं आपकी जो है पूरी पेमेंट जो है वापस करवा दूंगा, आप एक अप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव को भी ये सारी चीज़ें बताई। वो लोग भी बस इस चीज़ को टालने में लगे हुए हैं कि हमारी पॉलिसी है, हम 15 दिन का ये करते हैं, वो करते हैं। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग 15 दिन का टाइम देते हैं या दो देते हैं, क्या गारंटी है कि उस समय बंदा घर पे रहेगा, और क्या गारंटी है जो सीनियर सिटीजन है वो उस समय उस चीज़ को देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ खराब होती है, उसने चलिए बाद में देखा, लेकिन ये जो इनकी जो पॉलिसी बनाई हुई है, डिले के लिए बनाई हुई है कि आपको डिले हुई। ये मैटर तो डिले का होता ही नहीं है। इसमें तो अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा फ्रॉड है, और फ्रॉड तो एक तरह से क्राइम हुआ। अब एक क्राइम आप आज करिए या आज से 5 साल पहले करिए, वो तो क्राइम ही है ना। तो इन लोगों को अपने जो ये इनके मैनेजर हैं, ये जो एजेंट हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। ये देहरादून में इनके सहस्त्रधारा रोड पे 5th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे इनका ऑफिस है, और जो ब्रांच मैनेजर है वो उसका नाम है अतुल तोमर, और जो ये एजेंट है जिसने करा है अरुण वर्मा। मैंने इनकी रिकॉर्डिंग्स भी करी हुई हैं, वो भी मैं इसके साथ शेयर करूंगा। पर मेनली मेरा जो मोटिव है ये वीडियो बनाने का, वो ये है कि जो हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, और ये जितने लार्ज स्केल पे हो रहा है, ये ऐसा नहीं है एक दो लोगों के साथ कर रहे हैं, ये बहुत लोगों के साथ कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो ये हमारे यहाँ पे जो लोग हैं सीधे साधे होते हैं, उनको कोई बोल देता है कि यार ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, वो मान लेते हैं, जबकि पॉलिसी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए। हमारे देश में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बहुत सारे केसेस सो मोटो ले लेते हैं। तो ये पब्लिक से जुड़ा हुआ ही मैटर है, PIL जिसके लिए हम फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसी तरह का मैटर है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो इतनी फैलेगी कि ये कोर्ट्स जो है खुद से एक इसको सो मोटो एक केस अपने आप लेंगे और एक जस्टिस करेंगे, और ताकि ये और लोगों के साथ ना हो। और सीनियर सिटीजन से मेरी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी जाएं, आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे बच्चों के लिए कोई दूसरा बहुत अच्छा करेगा। जहाँ पे भी आपको लगे कि बहुत अच्छा कोई बता रहा है, वो बता रहा है, आप रुकिए, थमिए थोड़ी देर, अपने बच्चों से कंसल्ट करिए, जो समझदार लोग हैं सोसाइटी में उनसे कंसल्ट करिए, फिर जाके पॉलिसी लीजिए। मैंने इस पॉलिसी की जो डिटेल्स पढ़ी, मुझे उसमें साफ साफ ये नजर आया कि इससे लाख बेटर है कि आप एक एफडी कराएं। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए मान देते हैं और शेयर मार्केट में आपकी पॉलिसी को लगा देते हैं। शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है कि ऐसे ऐसे करके चढ़ता है सीढ़ियों से और धड़ाम से नीचे गिरता है, और 60 के बाद आपकी एज नहीं है ये सब काम करने की। आप रिस्क नहीं ले सकते। एक 20-22 साल की उम्र का लड़का हो सकता है शेयर मार्केट में अपनी पॉलिसी लगा दे, या वो लॉस में आ जाए तो वो वापस रिकवर कर लेगा। 60 के बाद मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2-3 चीज़ों पे ही बस फोकस करिए। एक अपनी हेल्थ पे, दूसरा अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो एक एफडी पे करिए, और एक तीसरी आती है प्रधानमंत्री सीनियर सिटीजन स्कीम, वो बैंक की भी होती है, पोस्ट ऑफिस की भी होती है, आप वो ले सकते हैं। उनमें क्या है, उनमें आपको मंथली पेमेंट मिलेगी, वो सब आप कर सकते हैं। या अगर आपको एक और इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप जो है जमीन जायदाद इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप उसको भी तहसील से कंसल्ट करवा लें, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ना चल रहा हो, कोई और फर्जीवाड़ा ना हो, उसके 2-3 मालिक ना हो। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, बट मेनली आप जो है अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी अपने बच्चों को बनाने में। अब आप लोग अपने घूमने फिरने की, भजन करने की और ये सब चीज़ों पर फोकस करिए, इनके चक्करों में बिल्कुल मत फंसिए। जो PNB मेट लाइफ फैट लाइफ हैं, ये जो है सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी खैर मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करूंगा, बट हम लोगों का शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि
बहुत सारे कंपल्शन रहते हैं, उनके बीच में मैं गया भी था देहरादून। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप उनको भी लेके आइए जिनकी पॉलिसी है। मैं उनको भी लेके गया पर उस दिन वो गायब हो गया मैनेजर। अब कब तक इनके चक्कर कोई काटेगा ऐसे और कब तक भागेगा? मैं खैर इनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, पर मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे। और जो ये पीएनबी मेटलाइफ फ्रॉड कर रहा है, मैं इसमें रिकॉर्डिंग्स भी इनकी अटैच कर दूंगा, आप लोग उन्हें सुनिएगा। और मुझे जो लोग बता सकते हैं कि हम इनके खिलाफ क्या वो एक्शन ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो वो लोग मुझे, जो इसके लॉ के अच्छे जानकार हों, वो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि क्या इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। 7818094399 मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि इनके खिलाफ क्या हम और एक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।